हेलो दोस्तों, मैं हूँ डी कुमार। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे 6 टेंस के वीडियो बना कर दिए हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो ये टेंस आपको सीखने में और आसानी होगी। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपको देखना है देख सकते हो, या फिर आपको वीडियो के अंत में भी उनकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर और भी अच्छे अच्छे और शॉर्टकट में इंग्लिश सीखने के वीडियो आने वाले हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, उससे आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे बनते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियोस। यहाँ पर लिखा है किया था, की थी, किए थे, दिया था, दी थी, दिए थे, या फिर लिया था, ली थी, लिए थे। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया तब भी मैंने ऐसे कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ पर था की जगह है लिखा था, था थी थे की जगह। ठीक है, तो वही फर्क होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है की जगह था करना है बस। और यहाँ पर हैव हैज़ लिखा हुआ था, अब यहाँ पर मैंने हैड लिख दिया, तो सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। अगर सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है, एक सब्जेक्ट लिखना है यानी कि क्रिया करने वाला। ये सब्जेक्ट क्या होता है मैंने पहले वीडियो में बताया है, फिर भी आपको बता दूँ, जो भी क्रिया करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर मैंने यू लिख दिया, बाद में लिखते हैं हैड। अब V3 क्या होता है, वर्ब यानी कि क्रियापद, क्रिया का थर्ड फॉर्म, जैसे कि बोलना, लिखना, हंसना, खेलना, आना जाना, देना लेना, ये जो भी वर्ब है इनका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म बनते हैं, या फिर फोर्थ फॉर्म भी बनते हैं। तो यहाँ पर लिखना है थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ पर लिखा, समझो क्या लिखते हैं, स्पोक, स्पीक का V3 थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, ये V3 बन गया। यू हैड स्पोकन, अब यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, इंग्लिश, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। अब देखो यू का मतलब हुआ तुम, यहाँ पर मैंने तुम का तुमने कर दिया, क्योंकि कंप्लीट है क्रिया, इसलिए यहाँ पर अपने आप बन जाता है तुमने। ठीक है, तुमने इंग्लिश, अब रिवर्स आएंगे हम, तुमने इंग्लिश बोली थी, या फिर तुमने इंग्लिश बोला था, कुछ बोली थी बोलते हैं लोग, कुछ बोला था। ठीक है, मैं इंग्लिश को बोली इस तरीके से बोलता हूँ, तुमने इंग्लिश बोली थी, यानी कि इंग्लिश एक भाषा है, वो बोली थी। ठीक है, यहाँ पर इसका अगर आपको नेगेटिव करना है तो यू हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है, यानी कि 3 नंबर में आपको नॉट लगा देना है टेंस में, तो वो सेंटेंस नेगेटिव अपने आप बनते हैं। देखिए, यू हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, इस तरीके से ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है लेकिन उसका नेगेटिव हिंदी में भी कन्वर्ट करना है, तो तुमने इंग्लिश नहीं बोली थी, इस तरीके से ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। और अगर आपको ये इंटरोगेटिव बनाना हो यानी कि सवाल तैयार करना है, वर्बल क्वेश्चन, तो इनके अदला बदल, पहला सेंटेंस है उसके अदला बदल करता हूँ, चलो मैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, इनके अदला बदल, बाकी सेम आपको जैसे कि वैसे लिख देना है, स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, लेकिन ये बन गया सवाल, इनके अदला बदली अगर कर दी हमने तो ये सवाल बन जाता है। तो ये सवाल कैसे बना, वही आपको क्या लिख देना है और वही सेंटेंस आगे लिखना है, क्या तुमने इंग्लिश बोली थी, हो गया सवाल। अगर ये सवाल नेगेटिव करना है तो 3 नंबर पे नॉट लगाना है बस। देखिए, हैड यू नॉट स्पोकन इंग्लिश, अब ये सेंटेंस नेगेटिव सवाल बन गया। क्या करना है, क्या तुमने इंग्लिश, सेम वैसे लिखना है, क्या तुमने इंग्लिश नहीं बोली थी। देखिए दोस्तों, इतनी आसानी से सवाल बन जाते हैं। अगर ये सवाल आपको क्या करने हैं, WH के बनाने, WH फैमिली के, तो आपको इनके आगे WH का कोई भी वर्ड, अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट, व्हाट नहीं आएगा, व्हेन लिख देते, चलो व्हेन हैड यू स्पोकन इंग्लिश, व्हेन मतलब कब, ये क्या निकाल देना है, तुमने इंग्लिश कब बोली थी, बस यहाँ पर। अगर यहाँ पर लिखना है तो ये नेगेटिव बनता है सवाल WH का, व्हेन हैड यू नॉट स्पोकन इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कब नहीं बोली थी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हेन है, व्हेन लिखा है,
वो निकाल देते हैं, चलो वेयर लिखते हैं, फेयर, यहाँ पर भी फेयर, ठीक है। वेयर हैड यू स्पोकन इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कहाँ बोली थी, और अगर नेगेटिव बनता है तुमने इंग्लिश कहाँ नहीं बोली, कब की जगह कहाँ बन जाएगा। इस तरीके से आपको इंग्लिश डब्ल्यू एच सेंटेंसेस बनाने, डब्ल्यू एच फैमिली के आप सवाल तैयार कर सकते हो। दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो धीरे धीरे करके वीडियो पॉज करके देखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, कमेंट उसके लिए है, आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।